नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य हमारे आसपास में पाए जाने वाले औषधीय पेड़ पौधा से लोगों को परिचय कराना है। धथुरा को आमतौर पर सभी लोग इसे पहचानते हैं। धथुरा ऐसे दो तीन प्रकार के होता है। एक होता है सफ़ेद फूल वाला और दूसरा होता है काला फूल वाला और पीले फूल वाला भी होता है। वैसे तो इस धथुरा को जहरीला पदार्थ माना जाता है, लेकिन यह कई औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। धथुरा के पत्ता कान दर्द, चोट, जोड़ों के दर्द आदि के लिए बहुत लाभकारी है। इसके कुछ पत्तों को पीसकर 100 ग्राम रस निकाल लें और 500 ग्राम सरसों का तेल या तिल के तेल में इसे अच्छी तरह से धीमी आंच में इसे पका लें। धीरे धीरे पकते हुए यह रस जल जाए तब इसे उतार कर रख लें और फिर इस रस को छान कर आप रख लें। कान दर्द होने पर इस तेल को दो बूंद डालें तो कान दर्द में तुरंत ही आराम मिलता है। कान के दर्द हो, कान में मवाद हो या जख्म हो तो इस तेल को डालने से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चोट या जोड़ों का दर्द हो तो इस तेल को लगाकर मालिश करने से दर्द में लाभ मिलता है। यदि किसी का पैर फूल रहा हो, सूजन हो पैरों में, तो इसके ताज़ा पत्ते को तोड़कर उसमें सरसों का तेल लगाकर आग में गर्म कर लें। उसके बाद पैर में बांधने से पैर का फूलना ठीक हो जाता है। इसे आप जोड़ों के दर्द में भी बांध सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। धथुरा का फल काम शक्ति को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह पुरुषों में होने वाली यौन दुर्बलता दूर करता है। धथुरा के फलों से इसके बीज को इकट्ठा करके पताल यंत्र द्वारा तेल बनाया जाता है। चलिए इसे पहले बता देते हैं कि इसको तेल किस प्रकार से बनाया जाता है। एक छोटा मिट्टी का बर्तन लें, उस बर्तन के नीचे हल्का हल्का छिद्र कर दें। उसके बाद उस बर्तन पर धथुरा को बीज को डाल दें। उसके बाद उसमें ढक्कन से बंद कर दें उसको। उसके बाद ज़मीन को खोदकर ज़मीन के अंदर उसको डालना है। उस बर्तन के नीचे और एक बर्तन रख दें और उसके बाद चारों तरफ से गोबर के उपले डालकर आग लगा दें। जब वह उबला जलने लगेगा तब वह गर्म होकर उसके बीज भी जलने लगेंगे और जलने के बाद छिद्र के माध्यम से जो नीचे का बर्तन है उस पर इकट्ठा होगा। इस तरह से यह दिव्य तेल तैयार हो जाता है। इस तेल को प्रतिदिन लिंग के अगले भाग को छोड़कर लगाना है। इसे लगातार 10 से 15 दिन तक लगाना है। उस दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह से आपको खोया हुआ काम शक्ति वापस आ जाता है, नामर्दी दूर होता है। इसका और एक आसान तरीका है, धथुरा के कच्चा फल को तोड़कर उसमें 15-20 लौंग को छेद करके उसके अंदर डाल दें और उस छेद को मिट्टी से बंद करके आग में उसे पका लें। जब अच्छी तरह से वह पक जाए, मिट्टी जल कर काला हो जाए, तब उसे आग से निकाल लेना है। उस धथुरा से लौंग को निकाल कर उसे पीसकर आपको रख लेना है। उसका सेवन एक चावल के दाना के समान करना है। इसे आप शहद के साथ सेवन करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।